यहाँ पर है जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस। जब तक बच्चे अपने मुँह हाथ वगैरह धो के रेडी होंगे तो यहाँ कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। मैं रात को कपड़े प्रेस करना भूल गई थी और इसीलिए सुबह के टाइम कपड़े प्रेस कर रही हूँ। आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आज आप लोगों को पता है आज मेरा रोजा है। वो तो मेरा भी रोजा है। तो आज हनी का भी रोजा है, राफे का भी रोजा है। रोजे तो दोनों के कल भी था, परसों भी था, रोज ही होता है। तो आज जो है हम आप लोग साथ कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर है और आप लोग को ये बता रहे हैं हमारी रमजानों में भी मॉर्निंग रूटीन कितनी टफ है। और यहाँ पर मैं बांध रही हूँ हनी के बाल। हनी रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। एक बार बताऊँ मैं ब्लॉग बनाया हूँ आज। तो आज का जो ब्लॉगर बना हुआ है हमारा, सॉरी कैमरामैन जो बना हुआ है वो है राफे, क्योंकि सिकंदर जो है सुबह सुबह जॉब पे चले गए हैं सहरी के बाद, क्योंकि सिकंदर की टाइमिंग भी ज़रा जल्दी की हो जाती है रमजानों में, क्योंकि वो जल्दी आ भी जाते हैं तो उन्हें जल्दी जाना भी पड़ता है। और यहाँ पर जो है मेरी टाइमिंग वही है और मैं हमेशा की तरह आज भी लेट हो गई हूँ बच्चों में। और यहाँ पर जो आयशा तैयार हो गई है, हेयर बन गए आपका मैं बात करें तो यहाँ पर आयशा तैयार हो गई है। अच्छा मम्मा बात नहीं कर रही तो आप बात कर लें। हाय फ्रेंड्स, आज मम्मा बांधी है आप ही के बाल और आज हम लोग ने ना आप ही और मैं नहीं उठ रहे थे। मम्मा ने कहा कि आज आप लोगों का पेपर आपको वो जो हनी राफे सो गए थे दोबारा सहरी के बाद नमाज के बाद, क्योंकि हम लोग के पास बहुत टाइम होता है क्योंकि हमें जाना था 8 बजे। तो और एक बात बताऊँ, ये जो आपको कोना कोना लग रहे ना बैग भी सेट मैंने करा, आपने सेट किया है? हाँ जी, राफे जो है हमारे कैमरामैन बने हुए थे और राफे ने कंघा वगैरह कर लिया। राफे ने कंघा करा था यहाँ पर चढ़कर, नहीं हुआ कंघा, दोबारा करेंगे। अच्छा जी, तो आज के जो कैमरामैन थे वो थे हमारे अब्दुल राफे, है ना भाई, है ना भाई अब्दुल राफे। तो चलो जी रेडी हो गए तो हम निकलते हैं स्कूल के लिए। यहाँ पर हनी अपने शू पॉलिश कर रही हूँ, कि रात को तैयारी नहीं करी थी, ये काम सारे रातों करने के होते हैं ना हनी, रात को नहीं करे। तो मम्मा ने भी कपड़े अभी प्रेस किए और मैं भी रात को करना भूल गई थी तो मैंने अभी करें। हमेशा की तरह आज भी जो है मैं लेट हो गई हूँ, 8 बजे मुझे जाना होता है और यहाँ 8:30 होने वाले हैं। और आप क्या कर रहे हैं? अपनी वो ज्योमेट्री बना रही। सही है। और ये जो है मैंने लॉक लगाए हैं क्योंकि ये जो है ना बार बार निकल जाते थे तो मैंने ये लॉक लगाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ये बंद रहते हैं, वरना ये खुले रहते थे, इनका जो है ना कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आखिर में ये लॉक लेकर आई और मुझे मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने लगाए। तो बस बच्चे अपने फ़ायदे वगैरह लेते हैं और फिर जो है हम निकलते हैं स्कूल के लिए। फ्रेंड हमारी जो है रमज़ानों में भी मॉर्निंग रूटीन यही होती है, बस फ़र्क इतना आता है कि सुबह नाश्ता नहीं करना तो सहरी करते हैं, नमाज के बाद सिकंदर चले जाते हैं जॉब पर, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ या जो थोड़ा बहुत काम होता है घर का वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे अगर सो जाते हैं, जैसे कि आज बच्चे सो गए थे तो मुझे बच्चों को उठाना पड़ा, उठा के बच्चों को रेडी करना पड़ा और रेडी करके स्कूल जाना पड़ा, और जो कि मैं स्कूल जाने के लिए हो चुकी हूँ लेट, वरना 8 बजे मैं स्कूल से निकल जाती हूँ। तो आप लोगों से रूटीन शेयर करनी थी और जब रूटीन शेयर करनी होती है तो पीछे पीछे कैमरा लेके घूमना पड़ता है तो उसमें लेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आज मैं लेट हो चुकी हूँ। तो बस आज तक हमारा ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर आप तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाजमी कमेंट लाइक और शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस चुपके चुपके सिर्फ देखे जा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगना, बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल ही फ्री है, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगना। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मेरी आने वाली वीडियो अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो बेल का बटन दबा दिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो बस निकलते हैं स्कूल और फिर जो है अगर पॉसिबल हुआ तो स्कूल जाकर मिलते हैं, तो अगर नहीं हुआ तो फिर वहीं एंड कर देंगे, अल्लाह हाफिज़ कर देंगे।
आ चुके स्कूल से घर। पेपर कैसा हुआ हनी? क्या नहीं करी? क्यों नहीं आ रही? किसके? दोबारा बोलो, किसके अदाब? वालदेन के अदाब। वालदेन के अदाब नहीं? वालदेन का नोट। वालदेन का नोट नहीं आया था, बाकी सब कर कर आई हो माशाल्लाह। से मुझे एक क्या चीज़ बताई? थी वो। अच्छा, कौन सी क्लास में होगा? सब पूछ रहे थे राफे कौन सी क्लास। और हनी आप? टू में है और आयशा भी थ्री में चली जाएंगी। और ये बजा रहे हैं और इसका शोर आ रहे थे। जी बताएं। वाओ गुड, सुबह समेत के गए थे। ये हैं सिकंदर की पतंगे। जब सिकंदर फ्री होता है तो ये पतंगे जो है उड़ाने जाते हैं टेरिस पर। और सिकंदर का जो है फेवरेट काम है, क्योंकि सिकंदर रमज़ानों में ज़रा जल्दी आ जाते हैं, तो मगरिब से असर की नमाज़ के बाद मगरिब से थोड़ी देर पहले सिकंदर छत पे जाते हैं और जाकर जो है पतंगबाजियाँ करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और फिर जो है अफ्तारी के लिए नीचे आ जाते हैं। सिकंदर का फेवरेट काम है ये, जो कि वैसे तो नहीं कर पाते हैं और जो है साल में एक ही दफ़ा जो है ना रमज़ान में जल्दी जॉब से छुट्टी होती थी तो आके पतंगे उड़ाते हैं। तो आ चुके हैं हम घर पर और अब जो है पहले जाके फ्रेश होंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ोर का टाइम होने वाला है। नमाज़ पढ़ के ज़ोर का टाइम होने वाला है, क्योंकि रमज़ान की वजह से छुट्टी जल्दी हो रही है। तो अभी ज़ोर का टाइम होने वाला है, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम करेंगे रेस्ट और फिर उठेंगे असर में। असर के नमाज के बाद फिर अपनी तैयारी शुरू होगी अफ्तारी की। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज तक की रूटीन यहीं तक थी। आपने हमें इजाज़त अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और न्यू अच्छे ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तो जी राफे पीछे आ गए मेरे। शीशे में आओगे आप पीछे से? कैसे? हाँ जाओ, ले लूँ आपको कैमरे में ले लूँ? राफे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे लेने जाएंगे पहले शावर, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत है। तो आके थोड़ी देर रुकेंगे और फिर शावर लेंगे। राफे रुक जाओ, थोड़ी देर रुक के जाना बेटा। तो बस मिलेंगे आपके किसी और न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।